नमस्कार, भक्ति टॉप 20 में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ रणजीत कुमार। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं धर्म और आध्यात्म जगत से जुड़ी हुई आज की 20 बड़ी गतिविधियों के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मई में बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम पहुंचने वाले हैं। इसको लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। हालांकि पीएमओ की तरफ से अभी तारीख तय नहीं की गई है कि वो किस दिन इन दोनों धाम पर पहुंचेंगे। उज्जैन के महाकाल मंदिर में भगवान महाकालेश्वर को तपती गर्मी में ठंडक देने के लिए पुजारी पुरोहितों द्वारा ठंडे पानी की मटकी के 11 कलश बांधे गए। इन मटकियों से पानी की सतत जलधारा बहती रहेगी। बद्रीनाथ धाम के विकास के लिए जो मास्टर प्लान तैयार किया गया था उस पर काम शुरू हो चुका है। यहां रुके हुए निर्माण कार्य भी जल्दी पूरे किए जाएंगे। श्री काशी विश्वनाथ धाम में स्पर्श दर्शन पर एक बार फिर रोक लगा दी गई है। अब भक्तों को दोबारा झांकी दर्शन ही करना पड़ रहा है। लगातार बढ़ती भीड़ के कारण ये फैसला लिया गया है। अब काशी के तमाम धार्मिक स्थलों का जीर्णोद्धार होगा। मंदिरों और पौराणिक कुंडों तक आने जाने के मार्ग को दुरुस्त किया जाएगा। इसके लिए 33,56,00,000 रुपए का बजट भी मंजूर कर लिया गया है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में स्थित बालाजी मंदिर में चोला चढ़ाने वाले भक्तों को अभी और 23 साल का इंतजार करना होगा। यहां चोला चढ़ाने वालों की भीड़ इतनी होती है कि जिन्होंने 2009 में बुकिंग कराई थी उनका नंबर अब आया है। गुजरात के मोरबी जिले में हनुमान जी की मूर्ति का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। हनुमान जी की ये मूर्ति 108 फीट की है। पूरे देश में भगवान हनुमान के 4 धाम प्रोजेक्ट का निर्माण किया जा रहा है, जिसके तहत इस मूर्ति का अनावरण किया गया है। उत्तराखंड में अक्षय तृतीया यानी 3 मई से 4 धाम यात्रा शुरू होने जा रही है। इस बार ये यात्रा बड़े स्तर पर होने जा रही है, जिसके मद्देनजर दिन रात तैयारियां की जा रही हैं। कई जगहों पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। 4 धाम यात्रा के लिए IRCTC ने एक किफायती टूर पैकेज तैयार किया है। 10 रात और 11 दिन के इस टूर पैकेज में चारों धामों को कवर किया जाएगा। बिहार के गोपालगंज में स्थित थावे मंदिर को भव्य बनाने की तैयारी चल रही है। प्रदेश सरकार इसके लिए 200 करोड़ रुपए खर्च करेगी। नवरात्रि के दौरान छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ स्थित मां बम्लेश्वरी के दर्शन करने लगभग 12,00,000 श्रद्धालु पहुंचे थे। इस दौरान श्रद्धालुओं ने माता के दरबार में लगभग 38,00,000 रुपए नकद और सोने चांदी के आभूषण चढ़ाए। अब लोग जल्द ही कटरा से माता वैष्णो देवी के धाम रोपवे के माध्यम से जा सकेंगे। इसके लिए काम जल्द ही शुरू होने वाला है। इसके लिए पहले चरण में कटरा से लेकर अर्धकुमारी तक रोपवे लाइन की मंजूरी दे दी गई है। उत्तराखंड के जोशी मठ का विश्व प्रसिद्ध रम्माण मेले का आयोजन 27 अप्रैल को होने जा रहा है। चमोली जिले का ये उत्सव यूनेस्को की विश्व धरोहर की श्रेणी में शामिल है। मिर्जापुर में विंध्याचल धाम में वैशाख की प्रतिपदा तिथि पर हजारों की संख्या में जुटे भक्तों ने माता रानी का जलाभिषेक किया। गंगा जल से धाम की धुलाई की गई। काशी विश्वनाथ धाम की राह भक्तों के लिए सुलभ बनाने के लिए ऋषिकेश में बने लक्ष्मण झूले की तर्ज पर पैदल पुल बनाया जाएगा। डोमरी से ललिता घाट के बीच बनने वाला ये पुल रिवर फ्रंट योजना का हिस्सा होगा। अयोध्या में राम भक्तों की आस्था को देखते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट रामायणकालीन पौराणिक 11 स्थलों के जीर्णोद्धार का काम भी करेगा। इसके लिए सुंदरीकरण और संरक्षण की योजना तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने तैयार की है। 3 महीने के बाद एक बार फिर से किश्तवाड़ के मचेल में स्थित माता चंडी मंदिर के कपाट खोल दिए गए हैं। मंदिर के कपाट खुलते ही सैकड़ों श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन किए। यूनेस्को के विश्व धरोहर में जल्द शामिल हो सकती है राजगीर की साइक्लोपियन दीवार। इसके लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को प्रस्ताव भेजा गया है। ये दीवार 2500 साल से ज्यादा पुरानी है। देवास जिले का सीतावन क्षेत्र पर्यटन के रूप में विकसित हो रहा है। प्राकृतिक रूप से समृद्ध इस क्षेत्र में नर्मदा नदी के किनारे पर्यटन विकसित किया जा रहा है। इसके लिए विभाग को एक प्रस्ताव भेजा गया है। IRCTC देखो अपना देश के तहत आगरा, मथुरा, अमृतसर और माता वैष्णो देवी मंदिर की यात्रा का एक विशेष ट्रेन पैकेज लेकर आया है। ये पैकेज 7 रात और 8 दिनों का है। ये ट्रेन सिकंदराबाद, विजयवाड़ा और तिरुपति से खुलेगी। तो ये थी धर्म और आध्यात्म जगत से जुड़ी हुई आज की 20 बड़ी गतिविधियां। लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए आप हमें फेसबुक पर लाइक कर सकते हैं, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपके आसपास कोई भी धार्मिक गतिविधि हो रही है तो उसकी जानकारी आप हमें info@sanskargroup.in पर दे सकते हैं। हम उसे दिखाएंगे भक्ति टॉप 20 में। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।